हैं आप। आज के इस वीडियो में हम क्रैमर्स का कानून सीखेंगे, क्रैमर रूल। पहले हमने माकूस की मदद से इनवर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, अब हम क्रैमर का कानून सीखेंगे। बहुत आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, इसमें दो इक्वेशनें हमें गिवन हैं। तो पहला काम जो आपने करना है वो वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हमने कालब की शक्ल में लिखना है। हमने इसको कालब की शक्ल में लिख दिया। ये हमारे पास एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल हैं, इज इक्वल ये 4 और 6, इसको हमने लिख दिया। अब इनको नेम देने हैं हमने। ये हमारे पास एक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है। यहाँ पे अब दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक्स निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा ए एक्स इसका मॉड ओवर ए का मॉड, और वाई निकालने का जो फार्मूला है वो होगा ए वाई इसका मॉड ओवर ए का मॉड। यानी अगर एक्स निकालना है तो ए के साथ एक्स लगा के इसका मॉड बटे में ए का मॉड, वाई निकालना है तो ए के साथ वाई लगाकर इसका मॉड बटे में ए का मॉड। अब ए एक्स क्या है? ए मॉड तो हम जानते हैं, ए एक्स क्या है? देखें, पहला काम तो हमने ए का मॉड ही निकालना होता है, क्योंकि ए का मॉड अगर 0 आ जाए तो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ए एक्स क्या है। ए एक्स देखें, ये हमारे पास जो हमने कालब के ये कोएफिशिएंट लिखे एक्स वाले, इनको हमने नहीं लिखना, यानी इन पे हमने रखनी है उंगली, इनको हमने छुपा दिया। इनकी जगह पे ये बी वाले लिख देने हैं 4 और 6, यानी इनकी जगह पे हमने लिख दिए 4 और 6, और ये वाले जो हैं ये वैसे के वैसे लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं ए एक्स। और अगर ए वाई निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही हमने जो वाई वाले लिखे थे ये वाले, इनको छुपा देना है, वाई वाले हमने नहीं लिखने, इसकी जगह पे हमने बी वाले को लिख देना है। ये वाला वैसे का वैसे लिख देंगे 2 और 3, और ये जो वाई वाले हैं इनकी जगह पे ये 4 और 6 आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो अब हमने इनका मॉड निकालना है, ए एक्स का मॉड निकालेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 2 8 माइनस फार्मूले वाला, 6 को -2 से -12, ये हमारे पास 8 प्लस 12, 12 और 8 को जमा करेंगे तो 20, ये ए एक्स का मॉड आ चुका है। अब हम आते हैं ए वाई की मॉड की तरफ। ए वाई का मॉड निकालना है इज इक्वल 6 को 2 से ज़रब दी, 6 2 12, -4 3 12, 12 -12 0, ए वाई का मॉड आ चुका 0। अब ए का मॉड हमारे पास रह गया है, इसको आपने पहले निकालना करना है। चलें बाद में भी निकालें कुछ नहीं है, लेकिन पहले निकालने का फ़ायदा क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इसका सलूशन होगा क्वेश्चन का या नहीं होगा। तो इसके मॉड के लिए हमने कोने वाले को ज़रब देनी है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है 2 2 4 माइनस फार्मूले वाला, और ये -6 4, ये हमारे पास 4 माइनस फार्मूले वाला, और ये -6, ये 4 प्लस 6 हो जाएगा, 4 प्लस 6 मिलके ये 10 हो जाएंगे, तो ए का मॉड 10 आ चुका। अब फार्मूलाज में कीमतें पुट कर दें, एक्स का फार्मूला लगाएंगे ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, ए एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो है 20, ए एक्स के मॉड की ओवर ए का मॉड 10, 0 से 0 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ चुकी 2। अब आते हैं हम ए वाई के फार्मूले की तरफ। वाई का फार्मूला क्या है? ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, ए वाई का मॉड हमने निकाला वो 0 है और ए का मॉड जो है वह 10 है। 0 का बटा कुछ भी हो, आंस हमेशा 0, तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी, ये वाई की, ये हमारा आंस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमने ये इक्वेशन गिवन है, इनमें से एक्स को पहले लिख लिया फिर वाई को लिखा, एक्स वाई वेरिएबल है इज इक्वल ये 3 1 आ चुका। अब हमारे पास इनके नेम ए एक्स इज इक्वल
बी। अब वही काम हमने पहले, जो फार्मूले हमारे जहन में होने चाहिए, अब पहले हम निकाल लेंगे ए का मॉड, ए का मॉड निकाल लेंगे, 5 को 2 से ज़रा दी 10, माइनस 6, 10 में से 6 निकाला 4, ये ए का मॉड आ गया। अब हमने निकालना है ए एक्स, ए एक्स निकालने के लिए बताया मैंने एक्स की जो वैल्यूज हैं इनको नहीं लिखना, इसकी जगह पे ये बी वाली वैल्यू लिख देनी है, 3115। अब इसका लेना है मॉड, ए एक्स का मॉड ले लेंगे, ए एक्स का मॉड लिया, 5 को 3 से ज़रब देंगे, 5 3 15 माइनस 1, 15 में से 1 निकाल देंगे 14। अब आते हैं ए वाई की तरफ, ए वाई निकालने के लिए ए वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर आपने उंगली रख लेनी है, इनको नहीं लिखना वाई वाली को, और इसकी जगह पे 3 1 लिखना है, 2 6, ये एक्स वाली तो हमने लिखनी है, वाई वाली की जगह पे बी वाली ये वैल्यूज लिख देनी हैं। अब इनका मॉड निकालेंगे, ए वाई का मॉड इज इक्वल टू 1 2, 6 3 18, माइनस 18 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस 16। अब एक्स का फार्मूला, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड साथ वाई का फार्मूला, ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, ए एक्स का मॉड हमने निकाला उसकी वैल्यू है 14, ए के मॉड की वैल्यू हमने निकाली वो है 4, 2 7 14, 2 2 4, तो ये x की वैल्यू आ चुकी 7/2। इसी तरह ए वाई का मॉड निकाला हमने, ए वाई के मॉड की वैल्यू है -16 ओवर 4, 4 1 4, 4 4 16, तो -4 ये y की वैल्यू आ चुकी, तो ये दोनों आपका आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, ये हमारे पास इक्वेशनें हैं दोनों, अब हमने ये x वाला लिख लिया, फिर ये 2 जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, ये माइनस लगाना नहीं भूलना, -1, एक्स वाई वेरिएबल, और ये हमारे पास 8 -1। अब इनके नेम ए एक्स बी, अब हमने ए का मॉड पहले निकालना है, 4 को -1 से ज़रब दी -4, 3 2 -6, ये हमारे पास -10 आ चुका। अब हमने ए एक्स लिखना है, ए एक्स के लिए बार बार बता रहा हूँ, ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इनको नहीं लिखना, ये वाली वैल्यूज़ इनकी जगह पे 8 -1 को लिख देना है, ये मैंने लिख दिया, और ये वाला वैसे का वैसे। अब इसका मॉड लेंगे, -8, माइनस फार्मूले वाला -2, ये -8 + 2 हो गए, अब इनमें से हमने इनको हल किया तो -6 आ चुका। अब ए वाई की तरफ आते हैं, ए वाई के लिए ए में से ये वाई वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना, इसकी जगह पे 8 -1 लिखना है, ये 4 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये 8 -1 लिख दिया, इसका मॉड लिया -4 -24, ये -28 आ गया, एक्स का फार्मूला लगा दिया, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, ए एक्स की वैल्यू -6 ओवर ए के मॉड की -10। अब इसको हमने हल किया, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आ चुका हमारे पास, ये x की वैल्यू आ चुकी। इधर चलते हैं y वाली की तरफ, ए y के मॉड की वैल्यू -28 ओवर a के मॉड की -10, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 14/5 आ चुका ये y की वैल्यू, ये x की, ये y की, ये आपका आंसर। फोर्थ पार्ट को देखते हैं जी, ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमने साबका तरीके के मुताबिक ये x वाले लिख दिए, ये y वाले लिख दिए, x y वेरिएबल -6 -10, इसको नेम दिए a x b। अब a का मॉड पहले निकाल लिया हमने, 3 को -2 से ज़रब दी -6, 5 को -2 से -10, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे -6 + 10, 10 में से 6 निकाला 4। अब ए एक्स निकालना है तो वही बात भूली नहीं आपने, एक्स वाली की जगह पे -6 -10, ये बी को लिख देना है -6 -10, और ये वाला वैसे का वैसे। अब हमने इनका लेना है मॉड, -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया +12, माइनस फार्मूले वाला -10, -2 +20, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये लगाना नहीं भूलना, -20 में से 12 निकाला -8। अब आते हैं ए वाई की तरफ, जब ए वाई की वैल्यू लिखनी है तो ए में ये वाले हमने वैसे के वैसे लिख देने हैं 3 और 5, और इसकी जगह पे वाई वाले अद्धी सरों की जगह पे ये -6 -10 लिख देना है, तो मैंने ये लिख दिया -6 -10, इसका मॉड लिया, -10 को 3 से -30, माइनस फार्मूले वाला 5 को -6 से -30, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो ये -30 + 30 इसका 0 आ जाएगा,
अब फार्मूला, x बराबर है ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, y बराबर है ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। ये फार्मूले आपके जहन में पुख्ता होने चाहिए। ए एक्स का मॉड हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू है माइनस एट, और ए का मॉड भी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू फोर, माइनस एट ओवर फोर, चार एक चार, चार दो आठ, माइनस टू एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, ए वाई का मॉड जीरो है, जीरो का बटा कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा जीरो। ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, ये इक्वेशनें हैं, हमने x वाले लिख लिए 3 माइनस सिक्स, फिर y वाले लिख लिए माइनस टू फोर, एक्स वाई वेरिएबल है 4 और 7, इनको नेम देते हैं a, x, b। अब पहला काम a का मॉड निकालना, a का मॉड निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 3 12 माइनस फार्मूले वाला, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 टू 12, ये अब ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, माइनस ये फार्मूले वाला 12 माइनस 12 जीरो। अब जिसका मॉड जीरो आ गया उसको नेक्स्ट हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हल मुमकिन नहीं है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4x प्लस y इक्वल 9 माइनस 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 5। इनमें x वाले हमने लिख लिए, फिर ये प्लस वन माइनस वन लिख लिया, एक्स वाई ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब इनके नाम ए एक्स बी, पहले ए का मॉड निकालेंगे, फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर, माइनस फार्मूले वाला माइनस थ्री को वन से माइनस थ्री, ये माइनस फोर ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, माइनस फोर प्लस थ्री, इनको हल किया माइनस वन, ये माइनस होंगे और अलामत बड़े वाले वाली आएगी। अब ए एक्स को निकाला, ए एक्स कैसे निकालना है, ए में जो एक्स वाले हम यहाँ पे अद्धी सर लिखते हैं, इनकी जगह पे ये बी वाले को लिखना है, 9 माइनस 5 और ये वाला वैसे का वैसे लिख दिया। अब इनका मॉड ले लिया, माइनस 9 माइनस फार्मूले वाला ये माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, माइनस 9 प्लस 5 और ये माइनस 4 आ चुका। अब ए वाई की तरफ आते हैं, ए वाई निकालने के लिए ये वाई वाले जो अद्धी सर हैं इनकी जगह पे ये बी को लिख देना है, और ये वाला वैसे का वैसे लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया 4 माइनस 3 और इसकी जगह पे 9 माइनस 5 आ चुका। अब इसका मॉड निकालेंगे, 4 को माइनस 5 से माइनस 20 और माइनस फार्मूले वाला 9 को माइनस 3 से माइनस 27, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस 20 प्लस 27, 27 में से 20 निकाला 7 आ चुका। अब x का फार्मूला लगा दिया, ax का मॉड ओवर a का मॉड, फिर y का फार्मूला लगा दिया, ay का मॉड ओवर a का मॉड, ax का मॉड निकाला माइनस 4 है, a का मॉड माइनस 1 है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 हमारी x की वैल्यू आ चुकी। अब ay की वैल्यू 7, a की मॉड की माइनस 1, ये माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू आ चुकी माइनस 7, तो ये हमारी मतलूबा वैल्यूज आ चुकी हैं। इस पार्ट को देखें जी, ये सेवन्थ पार्ट, नंबर सेवन्थ है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। हमने वही काम, x वाली वैल्यूज़ को लिखा, फिर y वाली वैल्यूज़ को लिखा, इसके बाद ये वेरिएबल x y हैं, 4 माइनस 10 लिखा। अब इनके नेम a, x, b, a का मॉड निकाला, 2 को माइनस 2 से माइनस 4, माइनस फार्मूले वाला ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 5 टू 10, माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 आ गए। अब a x निकाला, कैसे निकालना है, x वाले की जगह पर ये 4 माइनस 10 को लिख देना है और ये वैसे का वैसे। अब इनका मॉड निकाला, 4 को माइनस 2 से माइनस 8, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे और ये माइनस फार्मूले वाला है, 10 तो 20, माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28। अब ए वाई की तरफ आएंगे, ए वाई निकालने के लिए y वाले अद्धी सरों की जगह पर 4 माइनस 10 को लिखना है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 2 माइनस 5 4 माइनस 10। अब इनका हमने निकाला मॉड, माइनस 20 और माइनस फार्मूले वाला ये माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने फार्मूला लगा दिए, x इज इक्वल टू x मॉड ओवर a मॉड, y का फार्मूला है y का मॉड ओवर a का मॉड। a x की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 28 और a के मॉड की वैल्यू है माइनस 14, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 14 वन जार 14 टू 28 और 0 का बटा कुछ भी हो उसका 0 ही होता है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है 0। ये देखें जी लास्ट पार्ट,
इसको देखते हैं जी, हमने ये इक्वेशन लिख दी, अब x वाले साथ लिखे 3 1 माइनस 4 2 और एक्स वाई वेरिएबल और 4 8 ये है b। अब इनको नाम इनके रख लिए a x b। अब a का मॉड निकालेंगे, पहले a का मॉड निकाला 3 को 2 से 6 माइनस फार्मूले वाला, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4, ये 6 माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 6 4 10 हो गए। अब हमने निकालना है ax, निकालने के लिए इसकी जगह पर x, ये अद्धी सरों की जगह पर 4 8 और ये वाला वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसका निकालेंगे मॉड, ए एक्स का मॉड निकाला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 8 माइनस फार्मूले वाला, 8 को माइनस 4 से माइनस 32, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे और ये 32 और 8 मिलके हो जाएंगे 40। ए एक्स का मॉड आ चुका। ए वाई निकालते हैं, ए वाई निकालने के लिए ये जो हमारे पास ये अद्धी सर वाई वाले हैं, इनकी जगह पे 4 8 को लिख देना है, ये 3 1 वैसे का वैसे लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4 8। अब इसका निकालेंगे मॉड, ए वाई का मॉड निकालते हैं, 8 को 3 से ज़रब दी 8 3 24 माइनस फार्मूले वाला, 4 1 4 24 में से 4 को निकाला तो 20। अब फार्मूलाज की तरफ, x का फार्मूला ए एक्स का मॉड ओवर a का मॉड, y का फार्मूला ए वाई का मॉड ओवर a का मॉड। अब वैल्यूज लगा देते हैं, ए एक्स का मॉड हमने निकाला, उसकी वैल्यू है 40 और ओवर a के मॉड की वैल्यू है 10, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ चुकी 4। ए वाई का मॉड निकाला, उसकी वैल्यू है 20, a के मॉड की वैल्यू है 10, 0 से 0 कट जाएगा, y की वैल्यू आ चुकी है 2 और x और y की वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका, ये क्रैमर का कानून था, बहुत ईजी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, जहाँ से समझ ना आए बार बार देखें, आपको ज़रूर क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।